Guys, this is the first time ever I've seen a real live AK-47. This must be a good feeling to shoot this. It's in, safety is off, and let's go. Hello guys, welcome back to another amazing video. Guys, on popular demand अपनी टीम टकियार की डिमांड थी कि भैया साउथ अफ्रीका सीरीज वापस लाओ. इतने सारे कमेंट्स आए हमारे पास कुछ वीडियोस पे, एंड थैंक यू आप सबको कि आप लोगों को हमारा जो पास्ट कंटेंट रहा वो बहुत ही अमेजिंग लगा. एंड डोंट वरी, वी विल कीप इट अप. और हमें एक और चीज भी पता चल गई है कि भाई अपनी टीम टकियार की गलती नहीं थी. जो व्यूज कम आ रहे थे वो सबके साथ ही हो रहा था, सारे क्रिएटर्स के साथ ही हो रहा था. आई थिंक यूट्यूब के एल्गोरिथम में कुछ ग्लिच था कि सारे व्यूज जो है वो इंडिया के टॉप 3-4 यूट्यूबर्स तक ही जा रहे थे, एंड जो हमारी तरह छोटे क्रिएटर्स है उनके पास ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे थे. मतलब मिलियन में जिसके सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास व्यूज सही आ रहे थे, एंड जो छोटे जिनके अभी मतलब लाखों में हैं तो उनके पास व्यूज कम आ रहे थे. तो यूट्यूब पर गिक्स था, अपनी टीम टकियार पूरी हमारे सपोर्ट में थी, एंड थैंक यू सो मच एंड लव यू फॉर दिस. पर एक छोटा सा ट्विस्ट है गाइस, जो हमारी रेगुलर वीडियोस थी, मतलब जो रेगुलर साउथ अफ्रीका के व्लॉग्स थे वो नहीं डाल रहे, मतलब तो बहुत ज्यादा वो सीरीज चल जाती है एंड डिस्कनेक्ट हो जाता है क्योंकि बीच में बहुत लंबा पॉज आ गया. अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पॉपुलर मतलब जो मेरे को लगता है कि आप लोगों को देखने ही देखने चाहिए, जैसे वो AK-47 वाला वीडियो था जो आज वाला है, एंड वेल वॉचिंग, एंड ये 3-4 जो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छे वीडियोज हैं वो साउथ अफ्रीका में जरूर डालूंगा. एंड इसकी हमारे चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो सारी सीरीज देख लो ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है. पर ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं हार्टफेल्ट प्रेयर्स एंड सपोर्ट टू साउथ अफ्रीका एंड द पीपल ओवर देयर. स्टे स्ट्रॉन्ग एंड ओमिक्रॉन, आई नो इट इज हिटिंग वेरी हार्ड एंड इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन द डेल्टा वेरिएंट. सो प्लीज स्टे स्ट्रॉन्ग, मास्क यूज करें एंड सोशल डिस्टेंसिंग करो एंड डोंट ट्रैवल. आई नो अपनी टीम टकियार फैमिली वहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड जो मेरे वहाँ पर फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड्स नए भी बने हैं, एंड जो वहाँ ऑलरेडी हैं, जो मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, प्लीज गाइस स्टे स्ट्रॉन्ग. इंडिया इज विद यू, वी आर विद यू, अश्विन सिंह टकियार इज विद यू. So full support and full love and full prayers for South Africa. And while we are at it, भाई एक big shout out to उत्सव. बेचारे का आज सुबह 2-wheeler से एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बुरी हालत थी. आई रश टू द स्पॉट एंड मैंने इसको वहां पर उठाया, और मतलब इतनी बुरी हालत थी बेचारे की, पर ये तब भी वापस घर गया. इसने अपना टेटनस का शॉट वगैरह लगाया, बैंडेज करवाई, नए कपड़े पहने दोबारा. इट वाज अ बिग एक्सीडेंट, मतलब कपड़े वपड़े भी बेचारे के फट गए थे, बट भाई फुल सपोर्ट टू उत्सव, फुल लव. कितना प्यार करता अपनी टीम टकियार से, कपड़े बदल के, इंजेक्शन लगा के, पट्टियां करवा के बेचारा वापस आया ताकि वीडियो एडिट कर पाए एंड आज ये वीडियो आप लोगों के लिए डल पाए. सो भाई एक कमेंट सेक्शन में प्लीज थोड़ा सा हमारे उत्सव के लिए सपोर्ट, एंड उत्सव को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, उसको वहां पर भी प्यार दिखाओ. भाई बहुत मेहनती लड़का गाइस, एंड सीरियसली बता रहा हूँ, आई एम लकी टू हैव हिम विद मी. मतलब दिल से भाई के लिए प्यार है, एंड ही इज माय यंगर ब्रदर, मतलब इसके लिए कुछ भी कर जाएंगे. एंड चैनल भाई देखो, आई नो मैं दिखता हूँ चैनल पे सारा टाइम, सबको लगता है मेरा चैनल है, पर हम दोनों का चैनल है और इसके बिना चैनल कुछ भी नहीं है, मेरे बिना चैनल कुछ भी नहीं है. तो हम दोनों की साठ गांठ से, हम दोनों की एकता से ही अश्विन सिंह टकियार यूट्यूब चैनल चलता है. तो प्लीज उत्सव को भी प्यार दिखाओ. एंड आई नो इंट्रो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, but before starting the video let me tell you about an amazing app which is Binomo. Guys, it is a very trusted trading app which I personally use for earning more profit. इससे आप घर बैठे बैठे भी additional earning कर सकते हैं. And guys, Binomo honest trading is an additional source of income for small and daily expenses. And guys, if you aren't aware, Binomo has over 2 million successful traders in India. तो जल्दी से आप लोगों को दिखाते हैं कि Binomo में ट्रेड करना कैसे है. यहाँ क्लिक करके आप एसेट सिलेक्ट कर सकते हो और अमाउंट पर जाके अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ 1500 सिलेक्ट कर रहा हूँ. इसके बाद इसमें आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे. तो लास्ट 20 मिनट से ग्राफ काफी अप एंड डाउन फ्लक्चुएट कर रहा है, बट मोस्टली ग्राफ की मूवमेंट है जो वो ऊपर की तरफ चल रही है. तो मैं ट्रेड अप की तरफ लगा देता हूं. एंड गाइज एज यू कैन सी हियर, मैंने अभी काफी डिसेंट प्रॉफिट बुक कर दिया है, एंड जितना भी आप लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा आप उसको बहुत ही इजीली पेटीएम से विड्रॉ भी कर सकते हैं. एंड अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करते हो तो आपको मिलेगा आपके डिपॉजिट का 100% बोनस. द बेस्ट पार्ट विच आई लव इज कि आप इसमें एक डेमो अकाउंट बना के उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ग्राफ कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है. एंड गाइज अगर आप अभी स्क्रीन पर आ रहे प्रोमो कोड को यूज करोगे तो आपको आपके डिपॉजिट का 100% बोनस एडिशनल मिलेगा. यानी कि अगर आपने 1000 रुपए डिपॉजिट करे तो आपको ट्रेडिंग के लिए 2000 रुपए मिलेंगे. सो गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, जल्दी से लिंक को क्लिक करो, बिनोमो ऐप डाउनलोड करो एंड स्टार्ट ट्रेडिंग एंड स्टार्ट अर्निंग एन एडिशनल income. Now that we've said everything, let's start the video. Guys, this is a very special video for me and it is a very special day क्योंकि आज मैं अपनी जानेमन को पहली बार हाथ में पकड़ूंगा. And you guys know I'm such a big gun enthusiast. I'm crazy for weapons. I'm crazy for guns. I just love guns so much. आज इतना excited हूँ मैं, आपको आवाज में मेरी shivering और excitement समझ आ रही होगी. I am going to shoot the AK-47 today. It is my dream gun. Unfortunately India में you can't own one क्योंकि assault rifles ban है India में. And और भी जो भी अच्छी अच्छी guns हैं they are too expensive and इधर guns are dirt cheap seriously. AK-47 AK-47 का भी प्राइस वगैरह मैं पूछूंगा, आई डोंट नो, बट ग्लॉक इज $500, मतलब इतनी सस्ती है ग्लॉक यहाँ पर। एंड इंडिया में आप लेने जाओ 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख। महेंद्र सिंह धोनी की जो ग्लॉक है दैट वॉज फॉर 65 लाख रुपीज। सीरियसली गाइज, इंडिया में गन्स इतनी महंगी है एंड बहुत रेयर है। इंडिया में आप AK-47 चला ही नहीं सकते कुछ भी करके, मतलब कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में भी, शूटिंग रेंज वगैरह में भी नहीं चला सकते। बट लकीली वी आर इन साउथ अफ्रीका एंड आज मतलब मैं इतना खुश हूं ना, सो वी आर गोइंग टू शूट ग्लॉक्स ओवर हियर एंड इट्स गोना बी द फर्स्ट टाइम मैं ग्लॉक चलाऊंगा। वी आर गोइंग टू शूट पंप एक्शन गन्स, मोस्ट प्रॉब्ली मॉसबर्ग 500 होगी पंप एक्शन इधर, एंड वो चलाएंगे, AK-47 चलाएंगे। बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। एंड लेट्स सी अगर कुछ अच्छी शॉप वगैरह भी हुई तो कुछ स्कोप्स वगैरह भी राइफल्स के लिए और दोस्तों की राइफल्स वगैरह के लिए इधर से ले लेंगे। सो वी आर एट द शूटिंग रेंज नाउ, ब्यूटीफुल इंडोर रेंज ओवर हियर। मैं आउटडोर रेंज पे भी जाना चाहता था, देखते हैं अभी और भी बहुत दिन है हमें यहाँ पे, तो अगर हमें आउटडोर रेंज मिली तो वहाँ भी ज़रूर जाएंगे, बट दिस इज़ एन इंडोर रेंज। सो लेट्स गो इनसाइड नाउ, सुपर एक्साइटेड, बहुत मज़ा आने वाला है सीरियसली। दिस इज़ अ गन शॉप एंड द रेंज इज़ दिस वे। कितनी सारी अमेजिंग गन्स है, दैट्स मॉसबर्ग ओवर देयर एंड यू कैन सी ऑल द सॉल्ट राइफल्स ओवर हियर। Beautiful. चलो इधर बाद में आएंगे, जल्दी से रेंज पे चलते हैं एंड लेट्स शूट। अरे भाई मैं यहाँ इतनी शॉपिंग करने वाला हूँ, मुझे दिख गया इतना कुछ, बहुत अमेजिंग टैक्टिकल वेस्ट। वाह, ये तो एक लेके ही जानी है। आई विश इंडिया में भी ऐसी शूटिंग रेंजेस होती, ऐसी गन शॉप्स होती, बट है नहीं, कोई बात नहीं, कल्चर हमारा इंप्रूव हो रहा है, लेट्स सी। तो गाइस इधर इन्होंने ऐसे ही पैकेजेस बनाए हुए हैं, ये लड़कियों के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। गिव यू पिंक गन्स, देखो AR-15 पिंक कलर है, कितनी क्यूट लग रही है। एंड पिस्टल्स है, हमने जो लिया है वो लिया है कॉर्पोरेट, इसमें हम AK-47 के 10 शॉट्स और पंप एक्शन के 6 शॉट्स और ग्लॉक 17 के 18 शॉट्स चला सकते हैं। और अगर आपको और एमओ खरीदना, और एमओ खरीद के और भी चला सकते हो ऑब्वियसली। ये भी एक पैकेज है सेव द राइनो, इसमें टारगेट ऐसा है पोचर का, एंड द 007 पैकेज, इसमें AR-15 पंप एक्शन बरेटा, सेव द वर्ल्ड, इसमें आप एलियंस को शूट करते हो 0.22 की राइफल से और 0.22 की पिस्टल से। और लास्ट पैकेज है स्पेशल फोर्सेस, जिसमें आपको एक असॉल्ट राइफल और पंप एक्शन और पिस्टल मिलती है 18 शॉट्स। क्वाइट इंटरेस्टिंग। इतनी एक्साइटमेंट मुझे आज से पहले किसी चीज़ की नहीं हुई है सीरियसली। इतनी खुशी मुझे आज तक। I'm super excited and you can look at all the targets they have over here. आप कॉवर पे अगर टारगेट करना चाहते हो कॉवर पे भी टारगेट कर सकते हो। एंड पोचर्स, ये हॉस्टेज नेगोशिएटर है, मतलब कि आप इसको शूट करना है आपने इधर, एंड यू कांट शूट द हॉस्टेज, यू कैन ऑल्सो shoot aliens, you can also shoot a rat zombie over here. These are the rules, range rules. तो अभी हमसे पहले 2 लोग गए हैं रेंज पे, तो उनको अराउंड 30 मिनट्स लगेंगे। तब तक हम ऊपर थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार क्या क्या अवेलेबल है, एंड जो मेरे को स्कोप वगैरह लेने थे वो ले लेंगे। एंड लेट्स सी इफ वी कैन गेट अ गुड टैक्टिकल वेस्ट फ्रॉम हियर। आई बिलीव ये इंडिया लेके जाना अलाउड होगा क्योंकि दिस इज़ नॉट एन आर्मर। हाँ, इट्स नॉट एन आर्मर, तो हम इसको ईजिली फ्लाइट में कैरी कर सकते हैं। बट लुक एट ऑल दिस स्टफ गाइज, इट इज सो अमेजिंग। आई सीरियसली फील लाइक अ किड एट अ कैंडी स्टोर। चेक आउट दिस ब्यूटीफुल अंडर ओवर शॉटगन ओवर हियर, इतनी सुंदर लग रही है ना सीरियसली। एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल नाइव्स ओवर हियर, आई रियली लव दिस वन। लेट्स सी अगर हम इसको लेते हैं, क्योंकि पैक करके उसको लेके भी जाना है। आई डोंट वांट एनी इश्यूज एट द एयरपोर्ट। एंड लुक एट दिस गाइज, अ रोनी किट फॉर द ग्लॉक, रियल रोनी किट। वाओ सीरियसली, इसमें आपकी ग्लॉक पिस्टल लग जाती है और एक छोटी सी असॉल्ट राइफल टाइप बन जाती है, बट बहुत ही अमेजिंग। गाइस जस्ट लुक एट ऑल द ब्यूटीज ओवर हियर, वाओ सीरियसली। दिस वन इज अ लिमिटेड एडिशन, वी हैव सो मेनी ग्लॉक्स ओवर हियर एंड दे आर डर्ट चीप गाइस सीरियसली, $500 के ये बस, और इंडिया में 40-40 लाख। हाउ मच इज द ग्लॉक ओवर हियर? 12,950. Okay, 12,950 rands. You know how much this costs in India? About 1 million rands. 1 million rands? Yeah, for a Glock. For a Glock 19x? Seriously? Yeah. This is a 9mm, right? That's a 19x. You can't own this in India. You can't have a 9mm. You're not allowed to have the same caliber as the police. Police, yes. So you can have a 9mm short. Yeah, .380 we can. There's such a beautiful Taurus over here. Light की reflection बहुत ज़्यादा है, but I think I can make you guys see it. क्या सुंदर लग रही है यार ये Taurus, seriously amazing. So we have a beautiful limited edition Taurus over here. You can see it is so beautifully done, and the fit and finish of the gun is absolutely amazing, guys. Seriously beautiful. Wow. You can have any caliber you want, and you can take as many packets as you want. So this is my friend's Glock 19x over here. Absolutely amazing, and the gun has been used. You can see it, it has been used a lot. Wow. So this is a subcompact, beautiful Desert Eagle color. Absolutely amazing. So you have two extra mags and two grips also with this. You want to get it serviced over here? No? Oh, okay. So people over here can bring their own guns and, you know, try the indoor range. Guys, this is the first time ever I've seen a real live AK-47. Wow. Love at first sight, seriously. Wow. Beautiful. Beautiful. Can I have a look? Wow. Guys, I'm actually holding an AK-47 in my hand. कभी सोचा नहीं था ये दिन आएगा, but wow, what a feeling, seriously. So it has no magazines. All the guns are empty over here. Beautiful, beautiful. You can just, wow. Have you shot it in fully auto mode also? They don't allow it in the range downstairs. Wow, seriously, what a beauty, guys, seriously. So guys, this is a semi-auto shotgun. Beautiful, seriously. Must be a good feeling to shoot this amazing weapon, guys, seriously amazing. Okay, so you wear glasses, right? Yes. Okay, so you don't need glasses? No, I don't need glasses. That's the cowboy, and I have chosen Mossberg. When you go in there, you need both to put that on, okay? Okay. So we are at the range now, guys, and our beautiful AK, our Glock, and the shotgun is over here. So this is a Glock 17, guys. Clear. So this is how I have done with the Glock. How many were in the bullseye? Two? Are these two, right? So this is how I did, and this is the grouping of the Glock 17. 3 rounds were not so good, but this grouping is its Glock ki badhiya hai. And ये 3 rounds ये थोड़ा सा so that was a fully auto AK. So these 3 rounds, I think I must have moved my hand a bit, but is this good? Decent. कोई बात नहीं, guys, we'll do better with the AK. So never thought I'd say this, but loading my AK-47's magazine. Done. Let's put it in the gun now. So yeah, ready to shoot the AK now. It is my first time shooting the AK-47, guys. Just a moment, I forgot the most important thing. You just can't forget these while shooting an AK. So let's put the magazine in. It's in. Safety is off, and let's go. क्लियर. मजा आ गया सीरियसली. क्या मजा है आज. मुझे लग रहा है जन्नत मिल गई. हाउ डू वी नो विच वन इज द ए के. सो ये बता रहे हैं कि जो थोड़े से फटे फटे वाले हैं वो ग्लॉक के हैं, पिस्टल के, एंड जो क्लीन है एकदम वो AK-47 के हैं. सो या बंदा तो भाई पूरा मार ही दिया होता हमने. एंड रिकॉइल बहुत ज़्यादा था एंड गन में से ऐसे फ्यूम्स निकल रहे हैं जो आपकी सीधी नाक में जाते हैं. बट इट वॉज एक्चुअली फन. यू कैन स्मेल द गन पाउडर. इट इज अमेजिंग. सो आई श्योरली किल्ड हिम. सो 2 वर नॉट ऑन द बॉडी एंड रेस्ट इज फाइन. ये 3 भी थोड़े से बाहर हो गए. But yeah, surely got this. Tried to get this, but somehow I couldn't. Was it good? He's the expert, but it looks pretty good here for me. He lost his hat, okay, but he still lost his head. I got him in the head also, in the face. Yeah. Good for a first timer. It's good, but he's the expert. He's my trainer. What do you say? Is it good? That's a silent assassin. He's your trainer? Yeah. For real? Okay, how did you do? Can we see the board? I leave it behind. Oh. I look at it. No evidence, please. No evidence. I leave it behind. No problem. But it was lovely meeting you. It's a pleasure. And thank you so much for showing me your guns. I hope you enjoyed yourself. Yeah, we did. We'll come back again. I actually told him that I plan to shift over here from India. Yeah, it is a very lovely town. Okay, fabulous. Let me give you my card. Sure. I would love that. So Mossberg 500, right? Yeah, it's a 500. So the pump action we get in India, the one which is made by the Indian Ordnance Factory, is a replica of this one. Maverick. Yeah, of the Mossberg 500. What's it called? That's called that's IOF pump action. It doesn't have a name. Oh, you just call it a pump action. So guys, we are shooting the Mossberg 500 now. It's a pump action. Let's give it a shot. Safety is off. So Ashley is going to stamp our targets. Thank you. It was a very fun time shooting with you. Thank you so much. See you next time, brother. Go well. Thank you. Guys, maza aa gaya seriously. And for a first timer, I think I did really well. See, बहुत ज़्यादा मजा आया. It was too fun. मतलब मेरा ड्रीम पूरा हो गया. किसी भी गन इंथुजियस्ट का आई एम श्योर AK-47 ड्रीम तो होगा इंडिया में, क्योंकि वहां पर हमें देखने को भी नहीं मिलती. बट एब्सोल्युटली यू कैन सी एंड यू कैन हियर द एक्साइटमेंट इन माय वॉइस. एंड मतलब आज तो मुझे लग रहा है बस भाई जन्नत नसीब हो गई आज. मज़ा आ गया सीरियसली. यू कैन सी माय एक्साइटमेंट. सो हैप्पी एंड इट वाज सो फन. ग्लॉक भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस था. बहुत मज़ा आया सीरियसली. एंड मैंने इनसे पूछा यहाँ पर कि AK-47 कितने की है, तो यहाँ पर है 20,000 रैंड की, मतलब कि 1 लाख रुपए की. दैट इज इट. और जो मैंने रिवॉल्वर ली थी वो 1,15,000 की थी. तो मतलब मेरी रिवॉल्वर से सस्ती AK-47 है इधर. यार कोई बात नहीं. समडे अगर कभी इंडिया में भी गन कल्चर और इम्प्रूव हो जाएगा, गन लॉज और थोड़े से लीनियंट हो जाएंगे, थोड़े से बेटर हो जाएंगे, तो हम भी लकी होंगे और हम भी AK-47 ओन करेंगे इंडिया में कभी. सपना है मेरा, सपना. A few moments later. Lovely Jeep you got there. Thanks man. We had one in India but it was stock. We had the Wrangler but it was stock. Okay. Very tastefully done. Thank you. Absolutely beautiful. Cheers, take care. And we'll be meeting for a drink, right? Take care. Guys, AK-47 चलानी थोड़ी सी और महंगी पड़ गई. हमारा चलान कट चुका है 800 रैंड का. I just hope ये कोर्ट वोट जाके ना भरना पड़े और ये हमारे डिपॉजिट से काट लेंगे तो सही रहेगा.